All right. Good afternoon, everyone. Welcome to the unveiling of a flying judge. कहते हैं अक्सर पाप काम करने के लिए खुदा इस धरती पर जन्म लेते हैं, और कुछ लोगों को ये शक्तियां इसलिए दी जाती हैं ताकि वो उन बुराइयों का अंत कर सके। और हाँ, when there is something good, there is definitely a lot of evil. अगर सुपर विलन है तो सुपर हीरो भी, और अगर कुछ बुरा है तो बहुत कुछ अच्छा भी। एंड when you have to balance both of them, the explosion is of another kind. तुम्हारे सुपर हीरो में क्या स्पेशल है? तारीफ तो करो। मेरे फ्लाइंग जेट के पास इतनी सारी मसल्स है कि इसके राका की मसल्स को वो मसल के रख देगा। अरे मेरे राका की साइज देखा है, उसके सामने इसका फ्लाइंग जेट तो सिर्फ एक बच्चा ही है। भाई इस बात मसल्स तो... मेरे फ्लाइंग जेट तुम्हारे राका की मसल्स को मसल के रख देगा आलू की तरह। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि इसकी सुपर हीरो की सब दांत देता है, बट मेरा राका ना उसके दुश्मनों के दांत तोड़ के रख देता है। अरे अरे मैं तो एक बात बोलने भूल गया। बोलो। आपको पता है भैया, इसके पास वो चीज नहीं है जो मेरे सुपर हीरो के पास है। अच्छा ऐसा क्या है? मेरे सुपर हीरो के पास बेबे है। अच्छा चलो एक मिनट, मेरी बात। सुपर पावर्स तुम्हारे हीरो के पास भी है, तुम्हारे के पास भी है, ठीक है। कॉस्ट्यूम भी तुम्हारे हीरो के पास है, तुम्हारे हीरो के पास भी है। फैंस भी हैं तुम्हारे हीरो के, और फैंस भी हैं तुम्हारे सुपर हीरो के। तो एक रास्ता है डिसाइड करने का। क्या? जो कि है फ्लाइंग जट का ट्रेलर। नाउ इट्स टाइम टू सी सम एक्शन लाइव। अच्छी superhero. The best thing I think about being a superhero is mere paas ek super girlfriend hai. Woohoo! Romance wala angle hai. सुपर गर्लफ्रेंड है तो मुझे भी कुछ स्पेशल पावर्स चाहिए। बट जैकलिन, आप ये बताइए कि इतने सारे सुपर हीरोज को छोड़ के आपने फ्लाइंग जट को ही क्यों चुना? बिकॉज दिस फ्लाइंग जट, बिकॉज दिस फ्लाइंग
signed up is Tiger Shroff. Okay. सुपरपावर्स मिले आपको, ये लड़कियां पटाने के लिए नहीं मिले. सुपर डायरेक्टर हमारे सुपर से ये कहने आया हूँ कि ये सुपर पावर्स लड़कियां पटाने के लिए, बी सीरियस बिकॉज दिस जज किंग्स. ओके टुगेदर टुगेदर रेडी वन टू किक. ऑलराइट सो ऑन दिस मोमेंट लेट्स हैव अ फोटो ऑप. फोटो ऑप. ओके सो वन सेकंड फॉर द किक. रेडी वन टू थ्री किक. यस. Love you. All right, guys. Just some photo ops for the gun. Photo ops. We'll give you photo ops. Pardon me. So Remo, one question for you. Yes. Big question. Yes. Ek to Punjabi, upar se superhero. So how did the idea of making a Sikh superhero film come in your mind? हम सब जानते हैं कि Sikh community है. वो बहुत ही दिलदार और बहुत ही strong होती है. और मुझे जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं किसी को नहीं पता है, मेरे एक्टर्स को भी नहीं पता है, ये स्क्रिप्ट मेरे पास थी बिफोर आई इवन स्टार्टेड डायरेक्टिंग, क्योंकि मेरी पहली स्क्रिप्ट थी जो मैंने अभी बनाई है. तो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी अभी सोचा है, ये बहुत सालों से सोचता है. और मुझे एक सुपर हीरो चाहिए था जो इनोसेंट हो, अडोरेबल हो और हमारे जैसा, कि पावर्स तो है लेकिन उसको खुद को नहीं पता है कैसे यूज़ करना. तो वो मुझे चाहिए था और सिख कम्युनिटी के लिए, इसलिए क्योंकि इस फिल्म में एक लड़के की जर्नी दिखानी थी अबाउट खंडा, जो बहुत हमारे सिख कम्युनिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट खंडा है, वो उसकी ताकत और टर्बन की इम्पोर्टेंस, ये एक लड़के की जर्नी के थ्रू वो जब पता करता है तब जाके ये एक रियल सिख बनता है. तो वो भी जर्नी है इस फिल्म में. ये सिर्फ सुपर हीरो की फिल्म नहीं है, ये एक लड़के की अपने आप को पहचान देने की, कि वो एक सिख है, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई इट्स अ सिख सुपर हीरो. ओके तो आज तक हमने ऐसा सुपर हीरो नहीं देखा जो हाइट से डरता हो. यस. सो हाउ डिड यू थिंक अबाउट दैट? जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एक अलग सुपर हीरो फिल्म बनानी थी. मैंने बहुत सारी फिल्म देखी और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते थे कि यार जब भी स्पाइडरमैन देखता है, सुपरमैन देखता है, वो जैसे उनको पावर मिलता है उड़ने लगते थे, जंप मारने लगते थे. मैंने कहा यार एक लड़का हो जो बेचारा हमारे जैसा हो, जिसे ऊंचाई से डर लग गया, अगर उसको पावर्स मिल जाएंगे तो वो क्या करेगा. सो इस वही थॉट लेके मैंने ये फिल्म बनाई है. और उसे प्ले करने के लिए ऑफकोर्स मेरे को एक इनोसेंट लड़का चाहिए था, जो कि शक्ल से बहुत ही इनोसेंट था वो, बट जब वो एक्शन करे तो वो सुपर हीरो. इससे अच्छा वेलकम टू बॉलीवुड. And from Mad Max to Bollywood, what's the difference and how's experience been? It's been unbelievable. It's a great experience. Everyone's been wonderful to me. They've really taken care of me. It's people are wonderful. It's because we look up to you. Everyone looks up to me. It's great. Anyway, it's a great experience for working with Rima. He's a wonderful director. He knows his business inside and out. Great working with us. He's an awesome athlete and actor. And it's a pleasure. It's an absolute pleasure here as well. So, one superpower you wish you had in real life? Fly. Yeah. I'm already really strong, but no. Flying would complete. Same question, Jacqueline. One superpower you wish you had? Funny, but I'm gonna go with Nathan on that. I wish I could fly too.
wish I was flying jet. The powers of flying jet. And Tiger, talking about your preparation of being a judge, being a flying judge, so how's the journey been and how did you prepare for this role? Sabse pehle, hello everybody. Thank you so much for the warm welcome and thank you for appreciating the trailer so much. बहुत ही लंबा सफर रहा. आई थिंक इट वॉज वेरी रेमोसर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स हु यू नो एवर बिलीव मी इन द वेरी बिगिनिंग इवन बिफोर हीरो बनती. तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको. थैंक यू रेमोसर फॉर गिविंग मी दिस चांस. द प्रिपरेशन वॉज वेरी डिफिकल्ट. एक अलग किस्म की एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम इस मूवी में. सो a lot of harness work as well as a lot of martial art based action. At the same time, for my character, it's a very different character from what I've played in the past. You know, he's not a typical hero and not exactly a typical superhero. But thankfully to Remo sir, he gave me a lot of time to prepare for the action sequences, to get into the skin of the character, and to learn a little about the Punjabi culture. So yeah, thank you Remo sir again for giving me this chance. Thank you very much. And we open the house to the media for their questions. Hi. Nathan, on your right. Yeah, myself, Alok. My question is to you. Have you learned Hindi while shooting in Mumbai? A little. All the bad words first. I can't say them on. So any particular line or word you want to say right now in front of everybody? No, I can't really say those words on television. So I can say you can repeat in Hindi. I can do that. Yes. Okay. Mera naam. Mera lao raka hai. Raka hai. Mera lao raka hai. Thank you. Remo sir, aap se jaanna chahenge ki Nathan ko lene ke piche ki kya exactly baat thi? Aur jab bhi mere dimag mein jo mera character tha, mere dimag mein jo character tha wo ye tha ki mera superhero ek bahut hi innocent sa ek young normal superhero hai. Wo matlab bada superhero nahi hai. जब वो लड़ेगा किसी से, मुझे चाहिए था कि ऐसा सुपर विलन जिसको देख के ही आदमी को ये लगे कि ये कैसे हरा सकता है. सो दैट्स वाई जब मैंने मैड मैक्स देखी और जब इनका कैरेक्टर देखा, मैंने बोला यार ये तो किसी भी हालत में मुझे चाहिए इस फिल्म में, क्योंकि टाइगर के साथ अगर ये खड़े रहें तो अभी भी आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है. ये देखो. सो तो यही था, इसी वजह से मैंने इनको अप्रोच किया. एंड देन बहुत ही स्वीटली और क्विकली इन्होंने रिप्लाई किया और ही इज हियर नाउ विद अस. टाइगर, जब आपको बताया गया कि नेथन आने वाले हैं एंड सेट पे बहुत सारा धूम धड़ाका होगा, एग्जैक्टली कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें व्हाइल शूटिंग? काफी सारे थे, खासकर एक्शन के मामले में अगर बात करें तो आई थिंक इट वॉज अ ट्रीट टू वर्क विद नेथन सर. You know, he looks very powerful. He is very powerful, but he's also very he's a thorough professional. In case you all didn't know, he was also a wrestler. Yes. So he has that control over his body language, and so thank you for not killing me. No, but yeah, he's very good with his. He looks very big, but he's very agile for his size. So you know, there was not a single instance where any of us were injured while we were fighting. So yeah. बट इंजरी तो नहीं हुई, लेकिन इनकी जो पर्सनैलिटी, जब वो कॉस्ट्यूम में आते हैं तो बहुत ही भयानक दिखते हैं सेट पे. तो एक इंसिडेंट बताता हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सेट पे क्या हाल होता था. हम लोग एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे राजस्थान में, डेजर्ट में, और इनको बुलाया गया. वो आपने शॉट देखा होगा, वो रेत से बाहर निकलते हैं. तो एक्शन चालू हुआ और इन्होंने मारना शुरू किया फाइटर्स को. एक फाइटर आया मेरे पास, बोला सर कुछ कहना है आपसे. मैंने बोला क्या? बोला सर मेरे 5 बच्चे हैं, प्लीज ये शॉट मुझे ना देना. He definitely made acting a lot easier yeah. for us because we were actually very scared. So, and you know there was like this one incident as well where we were shooting an action scene and I literally had to turn around and I had to just. So first I looked here, thinking someone would be here, and then I had to look up, and Nathan had this beautiful line for me. What was it? Come here, Pritchie. So yeah,
acting definitely became very easy for us with Nathan around. Tiger sir, on your right. Tiger, on your right. Haji. First of all, Flying Jet ki puri team ko sat sri akaal. So, agar superhero ki baat karein, your dad, unhone Shiva ki thi, tabhi wo bhi superhero flick thi. And superhero ki baat karein, so what was your superhero obsession? Matlab, while you're growing up, so Spider-Man, ye sab ko leke aap kaise, matlab kaise rehte the? Kuch aap collect karte the unke baare mein, kuch shows dekhte the? Tell us about your superhero obsession. I think har bache ka hero or superhero, mere case mein, was my father. And I think for every, you know, son, his or daughter, his father would be, you know, their superhero. So if you look at, मुझे याद है मैं शिवा के इंसाफ पिक्चर कई बार देखा था और उनके अलावा ऑफ कोर्स आई एम बिग फैन ऑफ स्पाइडरमैन. आई लव सुपर हीरोज हु यू नो अ वेरी ह्यूमन अ वेरी अंडरडॉग. यू नो आई थिंक दैट वाज That's why I sort of related to my character in Flying Jet, क्योंकि बहुत बहुत नॉर्मल सा बंदा था, बहुत बहुत ह्यूमन लड़का था. सुपर पावर्स को लेकर भी बहुत बहुत वेरी अनश्योर हाउ टू यूज देम. हाइट से डरता है, स्पीड से डरता है, नेथन से डरता है. पर यू नो एस्पेशली हिज मॉम, ही इज स्केयर्ड ऑफ हिज मॉम, बट ही हैज टू लिसन टू हिज मदर. और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा अभी क्योंकि नहीं तो पिक्चर यू नो आई विल बी रिवीलिंग अ लॉट ऑफ फैक्ट्स. Nathan, here. Yeah, this is Simran Singh from Book My Show. Welcome to Bollywood. First, thank you. Okay, my question to you is, while working with Tiger Shroff, if I ask you, how would you define Tiger Shroff? Tiger Shroff as a mixture of Jackie Chan plus Michael Jackson. How would you define Tiger Shroff? Oh, well, it was a pleasant surprise. Put it that way, because I've worked with a lot of actors that can't work. If you know what I'm saying, like an act, but they can't. They're not fully rounded. So it was awesome working with someone who can actually walk and talk at the same time, you know what I mean? We'll do everything. Thank you. Yeah. Hello, hi Tiger. This is 2 years left. Hi, this is Mayur from Sadistan.com. Tiger, in the past, you know, some of your female fans were hurt when you were trolled on Twitter for not having enough facial hair. So is that one of the reasons why you've taken up this film? To prove them, yes? ऐसी कुछ नहीं, बागी भी आ चुकी है इससे पहले, उसमें भी थोड़ा बहुत बाल था तोपड़े पे. पूरी दाढ़ी है, जट बन रहे हो. हाँ जी, पूरे जट बन रहे हो ना, तो दाढ़ी. हाँ हाँ हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन. यू नो देयर इज आई एम ट्राइंग टू शो अ ग्रोथ इन माय परफॉर्मेंसेस फेशियल हेयर विद एवरीथिंग. To us as well, because we saw your, you know, global goals campaign, so congratulations on that. That means a lot to us. I have something to ask, which is a little off the topic, so to speak, at the moment. A lot of actors have been talking about how certain films, especially down south, tend to glamorize and glorify stalking of women in films, like you stalk the girl and you finally get her. What do you have to say as a woman who's very empowered yourself and who's speaking up on these issues at the moment? I don't think it's right, obviously, to glamorize it in any way. You know, I myself haven't really, I think, been part of anything or any film or any character like that. But I think, you know, people should not also equate what we do on screen to what is exactly right. You know, as actors, we do also get into character, and we might play villains. It doesn't necessarily mean that Nathan is a bad person. You know, he's got into a character. So I think people have the sense and have the intellect to know that what we're doing on screen sometimes may not be right, and you have to keep that in mind, you know. And we as actors do have to play out and do our jobs, and you know, it's not like we're trying to teach you anything or, you know, trying to set an example or, you know, for that. But they need people have the intellect to realize what is right and what is wrong. नेथन से अगर जानकारी मिल सके हम लोग कि ये किस चक्की का आटा मतलब खाते हैं. He wants to know what do you eat to get this. Eggs, milk. How many eggs? Oh well, depends, but maybe 6 eggs a day. You know, just a supplement to my normal meals. And some milk, oats. I like oats. You're like a little birdie.
Milk's the best in India. I've been all over the world, and India has the best milk, best yogurt by far. आप जो हिंदी की एक्शन फिल्म है उसको एक नए बेंचमार्क मतलब आप दे रहे हैं, आपको लगता है कि जो स्किल मैडमैक्स का है या फिर हॉलीवुड की एक्शन जॉनर का है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं बहुत जल्द? बिल्कुल, आई थिंक यू ने बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत सारे एक्टर्स, खासकर आज की जनरेशन. यू नो देयर इज I'm not just saying this generation, actually, I should take that back. We're very hardworking. It's just that farak ye hai ki budgets, unke jo budgets hai kafi, you know, they have that limitation, right? That's the only difference. Halanki agar mujhe puche to, I think, jo hum Bollywood actors karte, wo log shayad nahi kar payenge. Hum naachte, hum gaate, hum fight bhi karte, hume romance bhi karna padta hai. Bahut sari cheeze karna padta hai. So, and I think, our audiences are used to seeing a certain kind of cinema, and we're slowly seeing a change and a growth in, you know, in that aspect. And I think if, you know, if Remo sir, like he's made a different film, if somebody else will make a different film, you know, you never know, you might see some new talent expressing the same talents that the people in Hollywood do. So, yeah. Actually, उसी को ऐड करना चाहूँगा कि वही हर वक्त शायद जिन्होंने मेरी पहली फिल्में देखी होंगी वो उनको इतना तो अंदाज़ आ गया होगा कि मैं कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश वही है कि हम भी एट पार उनकी तरह जाएं. बट यस, देर इज़ बजट इश्यूज, जो वहाँ के बजट होते हैं यहाँ के बजट होते हैं बहुत फर्क होता है. लेकिन जो स्पेशल इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, आधा काम यहाँ होता है जो शायद किसी को नहीं पता, वहाँ का भी आधा काम यही होता है और यहाँ जहाँ होता है वहीं हम भी काम कर रहे हैं. सो इट्स नॉट कि हम लोग कहीं छोटी सी दुकान में काम कर रहे हैं, वो बड़ी दुकान में काम कर रहे हैं. जहाँ उनका काम होता है वहीं हमारा काम होता है. सिर्फ देखने का नज़रिया अलग है कि आप लोगों को आदत पड़ी है कि वो बड़ी फिल्म है, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑलवेज टीथिंग प्रॉब्लम होती है. तो शायद इसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंज आए, कोशिश वही है कि चेंज हम भी लेके आए. दैट्स You know, we already have a homegrown superhero in India. Like, you know, there is a huge fan following for Krish. Yes. Will it be a little difficult on the part of you to create an acceptance for this new hero? हम सब जानते हैं हमारे हिंदुस्तान का सबसे पहला superhero Krish है. और मैं बहुत बड़ा fan हूँ. Tiger. बहुत बड़ा fan है. शक्तिमान. Yes. शक्तिमान को अगर शिवा के इंसान film की बात करें. फिल्म की बात करें तो अगर ऐसे देखा जाए तो, बट यू सेइंग पॉपुलैरिटी वाइज, यस आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ क्रिश. टाइगर खुद बहुत बड़े फैन है ऋतिक के और इस मूवी के. तो हम कभी वो सोच के नहीं बैठे हैं कि हमको क्रिश बनानी है, हमको वो बनानी है, क्योंकि वो हम कर नहीं सकते. हम अपनी फिल्म बना रहे हैं. सो इट्स अ स्मॉल फिल्म, जो कोशिश है हमारी वही है. और देखे जाए तो अगर हॉलीवुड की बात करें तो देयर इज स्पाइडरमैन, देयर इज सुपरमैन, देयर इज कैप्टन अमेरिका. You know, यहाँ पर वी शुड बी प्राउड कि एक दिन शायद एक इंडियन अवेंजर्स पिक्चर बनेगी, क्योंकि वी हैव, यू नो, वी हैव क्रिश, वी हैव रावण, वी हैव नाउ अ फ्लाइंग जट, शुड एक्सेप्ट इट होपफुली. और बहुत वी हैव आवर ब्रीड एज़ वेल. अब बहुत अजीब लगता है कि यहाँ ऐसा हो गया है कि किसी ने सुपरमैन बना दिया तो बोला कि खबरदार अगर स्पाइडरमैन बनाया तो वैसी बात हो गई. मतलब सभी हैं, अब सुपरमैन है, स्पाइडरमैन भी है, कैप्टन अमेरिका है, मतलब अवेंजर्स है, हम क्यों नहीं कर सकते? कोशिश हुई. Okay, please give a big round of applause for the super producer of Flying Judge, Ekta Kapoor, in the house. So Ekta, we were talking about superpowers since it's a superhero film. So we want to know if you're given an opportunity, which superpower you wish you had in real life? You can't say flying. You can't say flying. No, flying. I would like to become one superpower on it.
I could eat everything and not put on weight. That's better. Second, I would like to make films never get pirated. All right. So, you had a question. Hi, Remo. This is Simrita from Filmikari. Since dance is one of the many talents you're associated with, so this superhero has romance, Has a fun element. Will the superhero dance? Yes. Of course. I mean, meri film hai, Tiger Shroff hai, so, aur Jacqueline hai. मतलब सवाल ही नहीं उठता है कि गाना हो ना हो डांस ना हो. ऑफकोर्स हमारा सुपर हीरो सब कुछ करता है, वो डांस भी करता है, रोमांस भी करता है, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्या क्या और करता है, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा. There is a slogan that we follow, and that is, this jut kicks butt. Thank you. Ekta aur Remo, aap dono se mera sawal hai, aapke ekdam serious. Ji. Yahan par hamesha jab bhi Sikh community pe koi film banti hai to kuch na kuch vivad hota hai unko koi shots ko lekar, kai cheezon ko lekar. To aap logo ne is cheez ka dhyan rakha hai ya to fir film dikhane ke chances hain ya koi objection abhi tak aaya hoga? Script se lekar film tak हर लेवल पे हमने अप्रूवल्स लिए हैं एंड वी हैव सीन टू इट दैट नो सेंटिमेंट गेट्स हर्ट नो डायलॉग और एनीथिंग ऑफ द फिल्म गिव्स एंड इनफैक्ट इट्स द मोस्ट प्रो सिख कम्युनिटी फ्रॉम एवर इन माय फैक्ट माय मदर हरसेल्फ बिफोर वी मेट आई मीन बिफोर वी वर इंट्रोड्यूस टू राम एंड सीता आई वाज इंट्रोड्यूस टू बाबा जी बिकॉज माय मॉम इज अ बिग बिलीवर सो आई कांट डू एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी बिकॉज शी इज अ आर्डेंट फॉलोअर ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब एंड एवरीथिंग All the, I think Guru Parab was our biggest celebration in Diwali now. So, I think we have more than outside, inside a wobble start if there's anything that goes wrong. Hi, Tiger. On your left. Hi. In the film we see, you know, you have fear of heights. What other fears do you have in real life? In real life? You know, I'm motivated by fear. You know, I'm scared to not be able to do something. I think that's my fear. Remo, एक सवाल आप. Remo. जो फिल्म है, आप बहुत different तरह की फिल्म बनाते हैं. ये जो फिल्म है, इसमें जो fight वगैरह दिख रही हैं, वो तो लग रहा है कि एक जिस तरह से है, वो कुछ अलग तरह की है. लेकिन चूंकि ये इंडियन जट है और हमारा कैरेक्टर ऐसा है और इन्होंने पहले भी बागी में जो हमारे इंडियन का मार्शल आर्ट है और जो वो सब चीजों को यूज किया, वैसे आपने किसी इंडियन मार्शल आर्ट का या कुछ उसको यूज किया है अपने एक्शन वाइज? आई मीन हमारा जो सुपर हीरो वो है ही इंडियन, वो है सदा, और वही काफी बड़ी बात है कि इंडियन सुपर हीरो बनाया. तो एक्शन वाइज इसमें काफ़ी सारे मार्शल आर्ट हैं, लेकिन कोई इंडियन स्पेसिफिकली कोई इंडियन मार्शल आर्ट यूज़ नहीं किया इसमें. काफ़ी सारा मार्शल आर्ट है, बट वो जैसे सुपर हीरो फाइट करते हैं वैसा है, और क्योंकि ये सुपर हीरो हैं तो ज़्यादा उड़ना होता है और हवे में ज़्यादा फाइट है. बहुत छोटा सा एक शॉट है, बहुत ही क्यूट सा है, बहुत सही टाइम पर आते हैं, तो इट्स अ नाइस कैमियो एंड थैंक्स टू श्रद्धा डू कमिंग टू दैट. एक सवाल है, इसका ट्रेलर देखकर ही लग रहा है कि फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, तो क्या इसकी सीक्वल का हम लोग इंतजार करें? आप गुजरात से हैं तो पंजाबी कल्चर के लिए आपको कहाँ से सीखना पड़ा काफी कुछ? थैंक गॉड किसी ने सवाल पूछा.
मैंने जब पहली फिल्म बनाई थी, मेरी फिल्म, मेरा करियर जब स्टार्ट किया, मैंने पहली फिल्म जो बनाई थी वो थी बंगाली फिल्म। मैं गुजरात से हूँ और मैं पैदा हुआ केरला में, पला बड़ा गुजरात में, मुंबई आया, पहली फिल्म बनाई बंगाली। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे सारे कल्चर और सारे रिलीजन एक ही लगते हैं। फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं होती। और जब ये स्क्रिप्ट लिखी तो हमें एक ऐसा सुपर हीरो चाहिए था जो सबसे अलग, और मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ से अच्छा सुपर हीरो हम बना सकते। नितिन, यस स्ट्रेट। Nitin Straight. Nitin, really nice to see you in this movie and looking forward to your action sequences. You know, while we have talent from the West coming to India and in our movies here, we do have our actors making it big there in the West, like Priyanka Chopra and Deepika Padukone. Have you seen their work? What do you make of our actors making it big there in Hollywood? I think it's awesome. Working with these actors here, I feed off, the better the actor I'm with, the better I become, you know? So it was really a great pleasure working with the, you know, Hollywood actors. They're top notch, in my opinion, and it made my job much easier. Also, when you walked in, we saw you checking Tiger's six packs. Yeah. Can we see your 12 packs? No. I can't compete. Only the biceps. So can we see that, maybe? The biceps. Last two questions, please. Last two questions. Jacqueline is Sunil Lohan. You guys, आपने Flying Jet की Superman की, आपके फिल्म करने के बाद या करने के साथ आपके मन में भी ऐसी फीलिंग आती कि आप भी किसी दिन Superwoman वाला कोई फिल्म लीड रोल में करें? If that does happen, I would think that Remo De Souza would be the best director for that. So, I do wish that that happened. Tiger, after doing this film, ऐसा लगता है कि आपकी जो audiences में या fans में kids की तादाद बढ़ने वाली है, ऐसा आप मानते हैं? किस्मत अच्छी है मेरी सर, क्योंकि मेरी पहली पिक्चर से ही आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव यू नो अ फॉलोइंग विद द चिल्ड्रन, एंड शायद क्योंकि यू नो द थिंग्स आई डू यू नो दे फाइंड दैट अपीलिंग एंड दे ऑलरेडी फील आई एम सम सॉर्ट ऑफ अ सुपर हीरो। और जितने भी पिक्चर्स किए मैंने काफ़ी नॉबल कैरेक्टर्स प्ले किए, बहुत सिंपल नॉर्मल रोल्स, and I think the superhero role, I think it was a dream role for me, and like I, you know, keep thanking Remo sir, I'm most happy about this role thus far in my life, so thank you again Remo sir. Thank you. I was also watching the Hollywood movies and I was, I liked them because there were a lot of romance, and I was just sitting there in the background, just, but I wasn't really getting into it because there were romance movies. I'm an action guy. You're so good. I don't mind romance, but as long as it's got the action, everything else, the boy stuff. All right. So thank you so much, ladies and gentlemen. We move towards the photo op, and there's a surprise for all of you in the end. So just a photo op. खतरों के खिलाड़ी।